अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू रिजवानास किचन। आज हम बनाएंगे साबुदाने की खिचड़ी हल्दी डालकर। ये कप से मैंने 2 कप साबुदाने भिगाए थे 1 घंटा पहले। इसके लिए मैंने थोड़ी सी भुनी हुई मूँगफली को दर दर पीस के लिया है। थोड़ी सी मूँगफली हम फ्राई करके लेंगे। 4 छोटी हरी मिर्ची है तेज़ वाली, कड़ी पत्ता, हरा धनिया कटा हुआ और ये 3 बड़े आलू है। इस तरह पीसेस में मोटा मोटा काट कर लिया। फिर हमने कढ़ाई गरम को रख दिया है। तेल भी हमारा अच्छी तरह गरम हो गया। पहले हम मूंगफली को फ्राई करके निकाल लेंगे। मूंगफली अच्छी तरह फ्राई हो गई है, अब हम इस प्लेट में निकाल लेंगे। आलू को फ्राई कर लेंगे हम, इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करके लेंगे। अंदर से भी अच्छी तरह पक जाएगा हमारा आलू। आलू हमारे अच्छी तरह अंदर से भी कुक हो गए, अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसी तेल में हरी मिर्ची डालेंगे। हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता, गैस को हम कम कर दें। 1/2 चम्मच हम इसमें जीरा भी डालेंगे, हरा धनिया भी डाल देंगे। एकदम हमने भर कर नहीं लिया है, कम है थोड़ा है 1 चम्मच को। मूंगफली भी इसमें हमने जो पीस के रखी थी वो भी डाल देंगे। 1/2 छोटा चम्मच हम इसमें हल्दी डालेंगे। अब इसको पहले हम मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें साबुदाना डाल देंगे। मूंगफली और आलू भी इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके लेंगे। देखिए कितनी अच्छी लग रही है हमारी पीली वाली साबुदाने की खिचड़ी। व्हाइट तो हम बहुत खाते हैं, लेकिन आज हम बनाए पीली वाली साबुदाने की खिचड़ी। देखिए कितनी खुली खुली बनी है हमारी साबुदाने की खिचड़ी। अभी हम इसको 5 मिनट तक चलाते रहेंगे। कितना खुला खुला दाना नजर आ रहा है आपको, ये देखिए खिचड़ी हमारी तैयार हो गई है। अभी हम गैस बंद कर देंगे और एक प्लेट में निकाल देंगे। साबुदाने की खिचड़ी हमारी बनके तैयार है। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने दोस्तों के साथ मेरी रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।